हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पे। आप देख रहे हैं फाइनल लाइव वीडियो में और मैं हूँ आपका दोस्त युवराज। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एक मैजिक के साइंस के ऊपर वीडियो है, जिसमें मैंने थोड़ी देर पहले YouTube पे एक वीडियो देखा था कि उसमें एक पर्सन अपने स्पोर्ट्स बॉटल से कुआ डैम से पानी नीचे गिरा रहा था, लेकिन न्यूटन के ग्रेविटी लॉ के हिसाब से उसको नीचे जाना चाहिए था, लेकिन फ्रेंड्स वो ऊपर आया था। सो फ्रेंड्स, इसी के पीछे की साइंस मैं आपको समझाऊंगा, और अगर आपको ये साइंस समझनी है तो पूरा वीडियो लास्ट तक का देखिएगा, और लास्ट तक का देखने के बाद सब्सक्राइब भी जरूर करिएगा। और हमारा 200 लाइक्स का एम है और 1000 सब्सक्राइबर्स का एम है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं इसकी वीडियो पे, आपकी स्क्रीन पे एक वीडियो आएगा जो मैंने यूट्यूब पे देखा था, और उसी के पीछे की मैं साइंस या मैजिक बताऊंगा, जो भी है मैं उसको आपको समझाऊंगा। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं, लेट्स स्टार्ट इट। सो फ्रेंड्स, जो मैं वीडियो आपको बताया था वो वीडियो यही है, और अभी आप इसको ध्यान से देखिएगा। पहले मैं इसकी साउंड थोड़ी स्लो कर लेता हूँ। अब फ्रेंड्स, आप देखिएगा वीडियो, मैं इसी वीडियो की साइंस बताऊंगा। आप देख सकते हैं इसमें पानी ऊपर जा रहा है। हाँ तो दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मैं उसके पीछे की मैजिक या साइंस बताऊंगा कि पानी ग्रेविटी के हिसाब से नीचे जाना चाहिए था, लेकिन वो ऊपर जा रहा था। सो फ्रेंड्स, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि साइंस, अगर हम लोग 100 या 200 साल पहले जाके इसी सवाल को किसी से पूछते तो उसका आंसर होता ये मैजिक है, और इस मैजिक को एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। लेकिन आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी में साइंस एक ऐसी चीज़ है जिसमें हर उस साइंस के पास हर चीज़ का जवाब है, और हर जवाब में एक नया सवाल है। सो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि वो कैसे होगा इस क्लिप में। सो फ्रेंड्स, पहले जान लेते हैं ऐसे क्या है। उसमें कुछ चीज़ों का इफेक्ट पड़ता है, पहली बात ग्रेविटी एंड सनलाइट। और फ्रेंड्स, वो जो वीडियो था वो दोपहर के समय का था, मतलब कि अगर हम लोग रात को वहाँ से अपनी स्पोर्ट्स बॉटल से पानी गिराते तो वो ऊपर नहीं जाता। सो फ्रेंड्स, इसका एक रीज़न है, समझ लीजिए ये एक डैम की सरफेस है। फ्रेंड्स, ये डैम है और ये सन है, और फ्रेंड्स यहाँ पे कोई पर्सन खड़ा है और उसने अपनी बॉटल से पानी गिराया। सो फ्रेंड्स, पहले तो वो थोड़ी देर नीचे जाता है, थोड़ा सा वाटर नीचे जाता है, लेकिन वो फिर ऊपर इसलिए जाता है क्योंकि सन की जो हीट होती है, वो जो नीचे यहाँ ठंडी हवा होती है उसको हीट कर देता है। सो फ्रेंड्स, जब ये हीट होता है, क्योंकि जो ठंडी लाइट होती है वो तो डेंस होती है, तो फिर ठंडी हवा होती है वो डेंस होती है, इसलिए वो नीचे रहती है। लेकिन जब ये हीट हो जाती है तो ये हीट होके ऊपर जाती है। ये जब ऊपर जाती है तो फिर जब ये इस स्टेज पे पहुंच जाती है तो फिर यहाँ पे जो पानी होता है वो थोड़ा सा नीचे आके फिर वो ऊपर जाता है, और इसी की वजह से वो पानी ऊपर जाया था, और कोई मेन रीज़न नहीं है। और जैसे ये पानी यहाँ से आता है ऊपर, तो पानी तो हवा में एवेपोरेट हो जाता है, लेकिन फिर जो हीट गर्म हवा होती है वो जब आसमान में पहुँचती है तो फिर वहाँ पे वो जाके कूल हो जाती है, और जब वो कूल हो जाती है तब वो फिर से यहीं पर आ जाती है, और जब यहाँ पर आती है तब ये फिर से ठंडी हो जाती है, और ठंडी होने के बाद फिर से जब यहाँ हीट पहुँचती है तो ये वो गर्म हो जाती है हवा, और ये फिर से ऊपर जाने लगती है यार। और लेकिन फ्रेंड्स, अगर यहाँ पे पानी है, समझ लेते हैं, फ्रेंड्स यहाँ पे पानी है तो क्या होगा? अगर हम दोपहर के समय हम लोग गिराते हैं और वहाँ पानी है तो भी फिनोमेना काम कर जाता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये होता है, ये समझ लीजिए वाटर आपका,
और यहाँ से मोटर गिरा दिया गया, यहाँ पे वाटर है, लेकिन फ्रेंड्स यहाँ जो हीट होती है ये पानी को भी गर्म कर देती है, तो फिर पानी जो एवोपोरेट होके वाटर वेपर के फॉर्म में ऊपर जाते हैं, तभी तब वो भी इतना लाइट होता है कि इसका फोर्स ग्रेविटी के फोर्स से ज़्यादा होता है, मतलब जो गर्म हवा है वो इतनी ज़्यादा होती है कि उसका फोर्स ग्रेविटी के फोर्स को उल्टा कर देता है और ग्रेविटी का फोर्स यहाँ वर्क नहीं कर पाता और ये जो वाटर होता है वो ऊपर आता है, और जब ये वाटर ऊपर आता है तो ये एवोपोरेट हो जाता है और प्रेसिपिटेशन कंडेंसेशन के प्रोसेस से फिर से वो अपनी अर्थ पे ही जाता है। लेकिन जो ये फिनोमिना है ये अगर ये सिर्फ दोपहर के समय इसलिए वर्क करती है क्योंकि दोपहर के समय हीट ज़्यादा होती है, और होवर डैम ये वो टॉपिक ऑफ कैंसर इक्वेटर के बीच में है, इसलिए ये ऐसा होता है क्योंकि टॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर के बीच में या इक्वेटर वाली लाइन में सबसे ज़्यादा हीट रिसीव होती है, और फिर यही मेन रीज़न है और उसके पीछे कोई और मेन रीज़न नहीं है, और जब यहाँ वाटर नहीं होता तब भी वो जो लाइट एयर होती है उसका फोर्स इतना ज़्यादा होता है कि वो ग्रेविटी के फोर्स को रिपल कर देती है, उल्टा कर देती है, इसीलिए वो वापस ऊपर चला जाता है, और फिर इसके पीछे कोई मेन रीज़न नहीं है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जैसे कि हम लोग का टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर का और 200 लाइक का, तो फिर हम लोग को वहाँ पहुँचने में हेल्प करिए और जितना हो सकता है आप इसको शेयर करिए। सो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो का वीडियो में, और हो सकता है नेक्स्ट वीडियो हो अंडे का फंडा और शायद कुछ और भी हो सकता है। सो फ्रेंड्स तब तक के लिए टाटा बाय बाय सलाम, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाय।